हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे तो आपने नूडल्स बना के बहुत ही खाए होंगे, लेकिन क्या कभी आपने नूडल्स के समोसे खाए हैं? नहीं ना। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो चलिए आज बना ही लेते हैं ये नूडल्स समोसे। तो नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले पैन में तेल गरम किया है, उसमें चॉप करके डाला है जिंजर और गार्लिक, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। उसमें एक प्याज डाला है और इसको भी अच्छे से हमको भून लेना है। उसके बाद हमने इसमें एक मिर्ची डाली है, उसके बारीक बारीक स्लाइसेस करके। उसके बाद कैरेट डाला है और कैरेट डालने के बाद हमको थोड़ी देर भून लेना है नमक डाल के, ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। और हमने इसमें डाला थोड़ी सी स्प्रिंग ऑनियन, और इस समय स्प्रिंग ऑनियन डालने के बाद हम बाद में भी थोड़ी सी स्प्रिंग ऑनियन डालेंगे। उसके बाद हमने डाला है इसमें कैप्सिकम और कैबेज, इसको आपको बाद में ही डालना है ताकि इसका जो क्रंचीनेस है वो बरकरार रहे। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर डालने के बाद हमने इसमें चिली फ्लेक्स डाली है। चिली फ्लेक्स के बाद हमने इसमें डाल दिया है ओरिगैनो और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम लोग इसमें डालेंगे थोड़े से और टेस्टी और चटपटे बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा डालेंगे सोया सॉस, विनेगर, और हमने डाला है इसमें टमाटो केचप, जिसका स्वाद बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही गजब का लगता है। तो इन सब को मिलाने के बाद हमने इसको अच्छे से मिला लिया है सारी सब्जियों में, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हमने डाला है इसमें नूडल्स। नूडल्स जो कि हमने पहले ही बॉईल करके रख लिया था, और इसको बॉईल किया हमने, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके। इसके बाद इसमें तेल और नमक डाल के हमने बॉईल किया था। उसके बाद हमने इसका जितना पानी था वो सारा पानी निकाल दिया और इसमें ऐड कर दिया है। बस इसको अच्छे से मिला लेंगे और रख देंगे ठंडा होने के लिए। तब तक हम हमारे डो की तैयारी कर लेते हैं। तो डो के लिए हमने लिया है मैदा, और मैदे में हमने डाला है अजवाइन, जो कि इसका टेस्ट पेट के लिए भी सही है और वैसे भी बहुत ही अच्छा लगता है ये अजवाइन। और इसमें डाला है हम लोगों ने नमक, और 4 से 5 चम्मच हमने डाला है इसमें तेल, ताकि अपनी जो मोइन है ना बहुत अच्छे से बन के तैयार होगा, तभी हमारा एकदम बाजार वाला समोसा बन के तैयार होगी। तो बस इनको अच्छे से पानी डालते हुए थोड़ा थोड़ा सा आपको अच्छे से गूंथ लेना है, आटा डो लगा लेना है, और डो लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए आप चाहें तो इसको सेट होने के लिए रख सकते हैं, वरना जो है इस तरीके से आप इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लीजिए, और इन छोटे छोटे टुकड़ों को आपको आटा जो है बहुत ही सख्त गूंदना है, तो इसलिए इसमें पानी की मात्रा बहुत ही कम ही डालनी है आपको। तो बस हमारा आटा गूंद गया है, उसके बाद हम इसमें कर लेंगे छोटे छोटे जितने बड़े आपको समोसे चाहिए उतने बड़े हम ये डो लेंगे, और इसको अच्छे से बेल लेंगे थोड़ा सा आटा जो है स्प्रिंकल करके सब तरफ, इसको अच्छे से बेलेंगे। जितना पतला आप बेलेंगे उतना ही समोसा आपका अच्छा बनकर तैयार हो जाएगा। तो बस इस तरीके से हमने इसको बेल लिया है, और इसके बाद हम इसके 2 पीसेस में कट कर लेंगे। इसको 2 पीसेस में कट करने के बाद इसको शेप देंगे समोसे वाला। लोगों ने इसको समोसे वाला बिल्कुल शेप दे दिया, और इसमें भरेंगे हमारी फिलिंग, चाउमीन वाली फिलिंग, ये हमने इसमें भर दिया है। अच्छे से दबा दबा के आपको भरना है। भरने के बाद इसके जो किनारे हैं वो अच्छे से सील कर लेना है आपको। आप चाहे तो इसमें
पानी लगा सकते हैं, वरना ये ऐसे भी एकदम पैक हो सकते हैं। तो हमने इसको ऐसे ही दबा दबा के अच्छे से प्रेस करते हुए इसको जो है बिल्कुल सेट कर दिया, इसको एजेस को एकदम पैक कर दिया है। देख सकते हैं आप, इस तरीके से हमने जो दूसरा समोसा था वो भी इसी तरीके से बना के तैयार कर लिया है। इसके किनारों को इस तरीके से जोड़ लिया है, कोनों को मिला दिया है और इसको अच्छे से प्रेस कर दिया। उसके बाद हमने इसमें डाल दिया है हमारी फिर से चाउमीन वाली फिलिंग और इसको दबा दबा के प्रेस करना है, इसमें डालना है और फिर उसके बाद इसको भी इसी तरीके से सील कर देंगे हम अच्छे से दबा दबा के सब तरफ से, ताकि ये तलते समय जो है खुले नहीं। बस इस तरीके से देख सकते हैं हमने हमारे जो समोसे हैं वो बिल्कुल पैक कर दिए हैं सब तरफ से दबा दबा के। उसके बाद हमारे सारे समोसे जो हैं वो बन के तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हैं। और बिल्कुल भी इनके एजेस जो हैं वो खुल नहीं गए हैं, तो बस अब इनकी कर लेते हैं तलने की तैयारी। तो तलने के लिए गरम करना है तेल, तेल को अच्छे से गरम होने देना है, फिर लो फ्लेम करके सारे समोसे इसमें डाल देना है एक साथ, ताकि आराम से धीरे धीरे अच्छे से पक जाए अंदर तक और बिल्कुल हमारे एकदम बाजार जैसे समोसे एकदम बन के तैयार हो गए हैं। इन समोसों को चाय के साथ या फिर ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, किसी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, आपको जिसके साथ भी अच्छी लगती हो आप उसके साथ सर्व करिए और इन्जॉय करिए इस नूडल समोसे को। तो आपको यह रेसिपी कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।